क्योंकि जब वोट देने का अधिकार 18 वर्ष है तो हमारी बच्ची की शादी का 18 वर्ष होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। देश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र सीमा 18 से बढ़ाकर 21 करने को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। तमाम विपक्षियों के विरोध के बावजूद सरकार ने इस बिल को लोकसभा से पास करवा लिया, लेकिन अब इसे लेकर संसद से लेकर सड़कों तक विरोध के स्वर उठने लगे हैं। गहलोत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर एतराज जताया है। आखिर आप भी सुनिए कि आखिर ममता भूपेश ने क्या दलील दी है। क्योंकि जब वोट देने का अधिकार 18 वर्ष है तो हमारी बच्ची की शादी का 18 वर्ष होना चाहिए। आज 18 वर्ष, अब तक बहुत शादियां हो रही थी, 18 वर्ष कानूनन उम्र थी, कोई समस्या नहीं आ रही थी, कोई तकलीफ नहीं आ रही थी, कहीं कोई शिकायत नहीं थी। किस आधार पे ये 21 किया गया, ये हमारी समझ से बाहर है। मैडम, एक घोषणा पत्र था उसमें जो मदरसा प्रेडिटर उनको नियमित करने की बात की गई थी, अभी भी जो मदरसा वो सड़कों पे घूम रहे हैं। प्रक्रियाधीन है, कार्य चल रहा है। मैम, 1 जनवरी 2019 को एक कल्ला कमेटी बनी थी जिसके आप भी सदस्य थे, उसमें संविदा कर्मियों को नियमित करने का वायदा किया गया था, अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंपी उस कमेटी ने। संविदा कर्मियों की बहुत विभिन्न आस्पेक्टों के आधार के ऊपर उनको देखा जा रहा है। संविदा कर्मियों के लिए नियम बनाए जा रहे हैं, अच्छे नियम बनाए जा रहे हैं जिसमें उन लोगों को फैसिलिटी मिल सके, सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। हमारी कमेटी इस बात पे बहुत अच्छे और ऊंचे स्तर पे चर्चा करेगी।